फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग नहीं, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया फ्रेंड्स, जो हम सभी के लिए, बालों के लिए, जैसे हमारे बाल झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं टाइम से पहले, तो वो बालों के लिए बहुत ही सेहतमंद है, फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स तो चलते हैं, देखिए मैंने कैसे कैसे क्या बनाया है और मैं आपको बालों में लगा के भी दिखाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये तीन आंवले लिए हैं और दो एलोवेरा की मैंने लीव ली है। तो इसको हम, ये आगे का जो मैंने ही पहले ही काट के मतलब रख दी थी खड़ी करके, तो इसकी जो भी लिक्विड था येलो कलर का वो निकल गया है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसको कट कर लूँगी। और मैंने लिए हैं तीन आंवले क्योंकि आंवला मुझे ज़्यादा मिल नहीं पाया और जितना था मेरे पास उतना मैंने ले लिया है। यदि आपके पास ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा लीजिए, ये जबकि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स देखिए बालों का कितना अच्छा नुस्खा तैयार करके मैं आज आपको दिखा के और लगा के दिखाऊँगी। तो मैंने ये आंवले का गूदा निकाल लिया है, तो आप आंवले की गुठलियाँ भी डाल सकते हैं क्योंकि इससे हमें कोई नुकसान नहीं। तो ये देखिए आंवला और एलोवेरा मैंने ये तैयार कर लिया है। अब आइए चलते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। तो हमने रख दी है कढ़ाई गैस पर। तो देखिए अब हमें करना क्या है, तो हमें लेना है नारियल का तेल और जो हमने कढ़ाई चढ़ाई थी उसमें नारियल का तेल हमें डाल देना है। मैं ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे पास जो मात्रा थी एलोवेरा और आंवला की वो कम थी, तो इसलिए मेरे को डालना है इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है नारियल का। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये डालेंगे। ये देखिए जम गया था क्योंकि मौसम ऐसा है तो ये जम नहीं था और अब ये थोड़ी देर में पिघल जाएगा, तो उसके बाद हम ये इसमें डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमें ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मतलब इसमें धुआं नहीं निकालना है, ये गर्म हो चुका है और तो देखिए फ्रेंड्स ये कलर चेंज होने लगा है थोड़ा थोड़ा और अभी इसको और पकाएंगे। ये इस तरह से कुछ आंवला तो ज़्यादा हो गया, अभी एलोवेरा पकने में टाइम लगेगा और इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि हमें गैस का फ्लेम लो रखना है और बहुत हाई फ्लेम पे नहीं हम इसको बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये तैयार हो चुका है क्योंकि आंवले का कलर ब्लैक हो चुका है और एलोवेरा हमारा इतना ही पकना था, इससे ज़्यादा ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो अब हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद चाहे तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही बनाया है 2-4 बार लगाने का। तो चलिए ये बन चुका है, मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको एक कटोरी और छलनी की मदद से छान लिया है और देखिए जितना भी ये सारा हमारा ऊपर रह जाएगा मटेरियल है और तेल सारा हमारा कटोरी में चला जाएगा। ये देखिए तो ये मेरा ये 2 या 3 बार का ऑयल तैयार हो गया है और इसे मैं आपको लगा के दिखाऊंगी बालों में। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।